नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जैसे कि जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना काल में आप सब अपने भाइयों के लिए मीठा घर पे बनाएं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में। तो चलिए मैं मीठा बनाना स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, मैं मीठे में बनाऊँगी बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाशनी तैयार करूंगी। तो चलिए मैं चाशनी तैयार करती हूँ। तो मैं गैस को ऑन करती हूँ। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैं ये पतीला ली हूँ, पतीले को रख देती हूँ गैस पे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो आधा पाव हम इसमें पानी डाले हैं। तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो 1 किलो हम चीनी लिए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इसे चला देती हूँ। तो उधर चाशनी मेरा तैयार हो रहा है, इधर मैं मैदे को गूंथ के तैयार कर लूँगी बालूशाही बनाने के लिए। तो 1 किलो मैं मैदा ली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर देती हूँ। तो इतना हम 1 पिंच इसमें खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, जिससे मेरा बालूशाही खस्ता बन के तैयार होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरीब रादा। तो मैं इन सामग्री को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। तो अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रिफाइन ऑयल। रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड करने से हमारा बालूशाही और भी खस्ता बनके तैयार होगा। जितना आप रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड करेंगे, उतना ही खस्ता बनके तैयार होगा बालूशाही। तो दोस्तों, आप लोग रक्षाबंधन के अवसर पे अपने घर पे अपने भाइयों के लिए मीठा बनाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा रिफाइंड ऑयल मिक्स हो गया है, और लड्डू की तरह ये बन रहा है। तो अब मैं चल रही हूँ इसे गूंथूंगी। तो इधर आप देख सकते हैं मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, इसे मैदे को गूंथ लूँगी। तो हम मैदे को इसी तरीके से गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो हम मैदे को गूंथ के एक डो तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ सेट होने के लिए। तो दोस्तों, चाशनी मेरी लगभग तैयार होने को है। तो इसमें अब मैं चल रही हूँ इलायची पाउडर तैयार कर लूँगी इसमें ऐड करने के लिए। इलायची पाउडर इसमें ऐड करने से दोस्तों मेरे बालूशाही का टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इलायची पाउडर इधर तैयार कर लेती हूँ। 5 से 6 इलायची ली हूँ, इसका पाउडर तैयार करूंगी। तो मैं ऐड कर देती हूँ इलायची पाउडर को, अच्छी तरीके से इसे चला लेती हूँ। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है चाशनी में से इलायची का। चाशनी को मैं चेक कर लेती हूँ। तो 1 तार का चाशनी मेरा बनके तैयार हो गया है। तो चाशनी को मैं अब उतार के रख देती हूँ नीचे। तो अब मैं कढ़ाई को रख देती हूँ चूल्हे में। अब मैं इसमें रिफाइन ऑयल डाल दूंगी बालूशाही फ्राई करने के लिए। और मैदा मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं चल रही हूँ बालूशाही बना के तैयार करूँगी। तो अब मैं इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ बालूशाही चौके पे। तो लोई बनाने के बाद इस तरीके से हमें बालूशाही में होल कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं साई बालूशाही बना के तैयार कर लेती हूँ। तो हमने बालूशाही तैयार कर लिया है। अब मैं तेल मेरा हीट हो गया है, अब मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट देती हूँ।
तो कितना अच्छा बालूशाही मेरा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं बालूशाही मेरी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे चाशनी में डुबो दूंगी। तो हम चाशनी में डुबो दिए हैं। तो चाशनी में हम आधे घंटे तक डुबोएंगे ताकि अच्छी तरीके से चाशनी बालूशाही में भिन जाए। तो इसी तरीके से मैं और भी बालूशाही को फ्राई कर लूँगी। तो हम बालूशाही को स्लो आंच पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो बाहर से जल जाएगा, अंदर से पका नहीं रहेगा। तो दूसरा खान में मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं इसे निकाल के चाशनी में डुबो देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बालूशाही मेरे बन के तैयार हो चुकी है और चाशनी में अच्छे से डूब गया है और पूरी तरह से चाशनी बालूशाही में भीन गया है। अब मैं एक थाली में इसे सर्व कर लेती हूँ। दोस्तों गार्निश करने के लिए मैं इधर गरी का बुरादा अलग कर ली हूँ। तो इसे मैं कलर कर लेती हूँ फूड कलर से। तो मैं ये ऑरेंज कलर ली हूँ फूड कलर, इसी से कलर करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कलर कर लूँगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो गया है। अब इसे गरी के बुरादा से गार्निश कर देते हैं। तो जो अब हम कलर किए हैं गरी का बुरादा, उससे भी गार्निश कर देती हूँ, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं गरी के बुरादे से हमने बहुत ही अच्छे से गार्निश कर दिया है बालूशाही को और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों बहुत ही कम सामान में मेरा बालूशाही बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप लोग अपने भाई के लिए लॉकडाउन में घर पे इस तरीके से बालूशाही बना के ज़रूर ले जाइएगा। और दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। और दोस्तों मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।